बच्चियों से चैट कर रहा है किसको चैट कर रहा है बच्चियों से अस्तगफिरुल्लाह कोई तौबा करो कुछ अल्लाह याद करो वीडियो चल रही है ना महरम से बातें करना बुरी बात होती है बेटा अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स अब स्टार्ट करो शुरू स्टार्ट करो सुनिए मुझे पता जान के ये भी डालेगा तू आप देख रहे हमारा चैनल पाक व्यूज पाक व्यूज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें और भाई वो इंस्टाग्राम बेल आइकन को प्रेस करें लाजमी ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और हमारे इंस्टाग्राम को जरूर लाइक करें फेसबुक को भी लाइक करें और वहाँ पर वो वीडियो है जहाँ पर कॉपीराइट होता है और साथ में हमारी फोटोज भी होती है वहाँ पे पोस्ट वो भी आप देख सकते हैं। हाँ जी और आज स्टूडियो में मैट करने वाले हैं हसन आबिद वर्सेस हार्दिक शर्मा हसन आबिद वर्सेस हार्दिक शर्मा हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई हुई है हमने सिर्फ हार्दिक शर्मा बनाई नहीं मैंने कंपैरिजन बनाई थी मैंने कहा कंपैरिजन में भी बनाई हुई है मुझे याद है कंपैरिजन में भी बनाई होगी पता नहीं फिर ओके व्यूअर्स फर्स्ट लेट्स वॉच द वीडियो पाकिस्तानी है तेरी जवानी सितारे If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is dirty shoes. Patat, Haber. सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ. अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे. मुझे बड़ा फिट लगता है इसके बाद तेरे पास मैं आऊंगा मैं भी तेरा दीवाना हूँ दूर से ही मनाऊंगा लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए यार, I love you. पहले बताओ तुम कमाते कितना 20,000 मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ सॉरी इट्स ओके एक्सक्यूज मी महीने का 20,000 ना दिन का बनूंगा मैं सारी रात क्लब में नाच नाच के आग लगा रही है देखे ना वो आस पास बस तुम्हें क्या नाच करा
ये कितना डियर लगा था यार। ये वाला गाना बड़ा फिट है। वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वीडियो। अच्छा वोटिंग करो, क्या कौन सा एक चूज करना है, एक चूज करना है, पता भी पता नहीं क्यों चूज करना है यार। दोनों अच्छे थे, करना ही चूज करना है भाई, यू हैव टू बताओ दोनों नहीं, दोनों हार्दिक शर्मा नहीं, ज्यादा सब एक चूज करना है, मैं एक चूज कर सकता हूं। ये क्या मतलब दो एक चूज करना है, मैं रोस्ट कर रहा हूं, मैं दोनों ही चूज कर रहा हूं, मैं रोस्ट की बात ही नहीं कर रहा, दोनों मैं दोनों चल नहीं, ये तो कैसे डिप्लोमेटिक है, बता कैसे राय यार, असल में मैं कह रहा हूं दोनों भी अच्छे हैं ना, तो एक ऐसा चूज करो जो ज्यादा अच्छा था, कंपैरिजन में बात ही कंपैरिजन की होती है, कंपैरिजन कर रहे हो तो मैंने बताना है लाजमी कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो अब जब दोनों रिव्यू में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं क्यों कर रहे हो, कंपैरिजन का मतलब क्या है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही अच्छे लगे, मुझे मैं किस एक का नाम तो ले सकता नहीं, आपको एक कहना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छा, पहले आप कह दो फिर मैं, क्या मतलब पहले मैं कहो ना फर्स्ट, मैं अपने अपने हिसाब से कहूंगा तो मुझे हसन आबिद ज्यादा अच्छा लगा, हसन आबिद मैं अपना पॉइंट मैं बताऊंगा अभी मुझे क्यों ज्यादा अच्छा लगा, क्या इसे क्या बोला तूने, एजुकेशन यार, मैं हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या के थे आ गए यार, अच्छे हार्दिक शर्मा पूछा मैंने तो, अच्छा दोनों अच्छे हैं पर हम बता वो रहे हैं जो कुछ ज्यादा अच्छा है, ठीक है अच्छे दोनों हैं, हार्दिक शर्मा भी बहुत अच्छा है, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, रोहित शर्मा की यार क्या तुम लोग अजीब दूसरे रिएक्शन चैनल की तरह वैसे डिप्लोमेटिक बयान देते हो, दोनों अच्छे थे, दोनों अच्छे थे, ये इसका फायदा क्या फिर कंपैरिजन ना यार, सर अपनी राय दे, मैं बता रहा हूं मुझे कोई कमी दोनों में कोई कमी फील, मुझे एच अच्छा लगा, हार्दिक शर्मा अच्छा लगा, एच एच दोनों ऐसे फिर ऐसे कंपैरिजन ना किया करो, मैंने फिर कंपैरिजन वीडियो में नहीं आना, अच्छा अजीब बात है कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर बताओ भाई कंपैरिजन में कौन ज्यादा अच्छा था, या तो फिर दोनों की अलग अलग वीडियो चलाओ, चलो मैं बता देता हूँ मुझे पता है कौन अच्छा लगे, ट्रांसफॉर्मेशन में हसन अभी अच्छा था और स्लो मोशन में हार्दिक शर्मा अच्छा जो रियल है, बोलो कंपेयर ही हो गया यार, इस तरह बता क्या बताया, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, कंपैरिजन मैं देख रहा हूँ ना, किस लिए कर रहे हो कंपैरिजन, देख रहा हूँ ना मैं तो, मुझे दोनों ही अच्छे लगे, मैं अब क्या कर सकता हूँ, दोनों ठीक है, दोनों अच्छे लगे, ठीक है, गलत चीज होती है यार, नहीं कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो फिर कंपैरिजन करके बताओ बिना अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लगा भाई, दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन मुझे हसन आबिद इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो उसकी ड्रेसिंग थी ना हार्दिक शर्मा की वो थोड़ी फंकी टाइप की थी, कैजुअल ड्रेसिंग थी, वो भी अच्छी ड्रेसिंग थी पर फंकी और कैजुअल थी, जिस तरह के वो इंडियन था ना उसने इंडियन में भी ड्रेसिंग की है, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट की ना वो हसन आबिद की ड्रेसिंग, क्योंकि मैं वैसी ड्रेसिंग करता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, कोट वगैरह शलवार वगैरह मुझे अट्रैक्ट किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट भी बता रहा हूँ, पाकिस्तानी ड्रेसिंग है तो पाकिस्तानी, आई एम टॉकिंग अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू नॉट योर्स, यू कैन टेल योर्स, बात सही है, चलो बता दो तू भी, अच्छा लगा बस मेरा भी हो गया, अजी मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो उसमें मुझे क्यों हंस, आपका अच्छा लगा, हाँ जी हार्दिक शर्मा, हाँ मुझे दोनों की उसका स्लोमो अच्छा लगा, दोनों का था यार बहुत मजा आया, दोनों की वीडियोस बहुत अच्छी थी, अलग अलग देखा करो, पाकिस्तानी भी अच्छा था, इंडियन भी अच्छा था, शुक्र 10 मिनट, पाकिस्तानी भी अच्छा था और इंडियन भी बहुत अच्छा था, ओके व्यूअर्स सब थैंक यू, आप इस लास्ट में अपना फीडबैक भेज दीजिएगा और आप बताइएगा कि मैं गलत कह रहा था कि सही कह रहा था, कमेंट में जरूर बताइएगा नीचे, मतलब कंपैरिजन क्यों करवाता है बंदा, अगर दोनों को अच्छा कहना है तो फिर अच्छे तो वो थे नो डाउट, मुझे भी हार्दिक शर्मा बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगा, बट यू हैव टू चूज वन
on the basis of what you have done. यार आप बड़ी कंपनी का चॉइस है यार, अब कोई अच्छा लगता तो मैं कहता भी ना कि भाई ये बहुत अच्छा था इसे। मैं तो अब ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ना ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100-100 मार्क्स दे रहे हो तुम दोनों। अब हमने फैसला जुल कराया ना कि हमने दोनों को क्यों चूज किया, दोनों की ही एक्टिंग अच्छी लगी। अब बताओ फैसला जुल कर इनको चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लड़ाई चलती रहेगी, दोनों अच्छे बुरे हैं। चले आप लोग बताइएगा कमेंट में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। अच्छे दोनों ही है, बोथ आर गुड, बट कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो बताना चाहिए अगर कंपैरिजन करें। आई थिंक सो एज फार माय कंसर्न। ओके व्यूअर्स, सब तक के लिए अल्लाह हाफिज।